टटवाल का तारीखी शारदा मंदिर कल पहले नवरात्रि पर तवील अरसे के बाद दोबारा खोला जा रहा है। मंदिर के खुलने का लोगों खुसूसन कश्मीरी पंडितों और पीओजेके के पनाह गुजीरों की तरफ से खैर मकदम किया जा रहा है। पेश मनोज कौल की एक खास रिपोर्ट। कुपवाड़ा जिले के टेटवाल में एलओसी के करीब तारीखी शारदा माता मंदिर की तामीर नौ की पहल एक समाजी तंजीम सेव शारदा कश्मीर कमेटी ने की थी। इस तारीखी मंदिर को पाकिस्तान ने 1947 में तबाह कर दिया था। तहम मकामी लोगों ने जमीन को तहफ्फुज फराहम किया और 14 सितंबर 2021 को शारदा ट्रस्ट के हवाले कर दिया। जमीन हासिल करने के बाद इस मकाम पर कदीम तर्ज पर एक मंदिर तामीर किया गया। इसके फौरन बाद ट्रस्ट ने बेंगलुर से माता शारदा की मूर्ति हासिल की और 24 जनवरी को पदयात्रा का आगाज किया। मुख्तलिफ शहरों से गुजरने के बाद ये यात्रा पीर को कुपवाड़ा पहुंची। मूर्ति को मंदिर में पहली नवरात्रि पर नस्ब किया जाएगा। लोगों की जानिब से इस इकदाम का खैर मकदम किया जा रहा है क्योंकि इसके मजहबी जोग्राफियाई और सियासी पहलू हैं काफी अहम मानी जाती है। यहाँ से ये एक पारंपरिक और प्राचीन रूट है शारदा जाने का, लेकिन अभी अवरोध है, बीच में कृष्णगंगा है और उस पार जो कृष्णगंगा घाटी है जिसे नीलम वैली के नाम से पाकिस्तान के लोग बोलते हैं, और वहाँ जाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और सभी देशवासियों के लिए, विशेषकर जम्मू कश्मीर के लिए, उसमें भी विशेषकर कश्मीरी पंडितों की आराध्य देवी हैं कश्मीर शारदा हैं। नमस्ते शारदे देवी कश्मीर पुरवासिनी, ये पुस्तक वीणा धारिणी शारदा है, 64 कलाओं की देवी हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कश्मीर जो है वो सनातन संस्कृति का केंद्र रहा है पहले से ही, और खासकर शारदा माता की दृष्टि से देखा जाए तो पूरा जो शारदा गांव था जो अभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके में है, और बारामूला से लेकर के वहां तक ये एक ट्रैक ऐसा है कि ये शारदा ट्रैक के नाम से ही जाना जाता था, और इस शारदा ट्रैक पर इस तरह का एक मंदिर का की पुनर्स्थापना और उसका इनॉग्रेशन ये बहुत बड़ा ही सौभाग्यपूर्ण एक मौका है हम सब के लिए। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के पनाह गुजीन अफराद ने इस इकदाम का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे पीओजेके के मुहाजरीन के उस दावे को तकवियत मिलेगी कि ये जमीन हमारी है। पीओके पनाह गुजीनों की तंजीम एसओएस इंटरनेशनल के चेयरमैन राजीव चिन्नी का कहना है कि पीओके में वाक़ शारदा माता मंदिर और दीगर मजहबी मकामात को हासिल करने का ये पहला कदम साबित होगा। और ये काम काफ़ी साल पहले हो जाना चाहिए था, चलें देर आए दुरुस्त आए, एक बहुत बढ़िया शुरुआत है। और आहिस्ता आहिस्ता जो केंद्र सरकार का एक सपना भी है और पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भी है और हमारा एक ये फैसला भी है कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है, हम उसको खाली कराएंगे, मैं समझता हूँ कि शायद यहीं से शुरुआत उसकी हो और वो इलाका वापस आए। इसके अतिरिक्त भी कई हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं वहाँ पर, नीलम घाटी के अंदर ही, मुजफ्फराबाद के अंदर, मीरपुर में, कोटली में, भिंबर में, इन सारी चीज़ों तक पहुँचने के लिए मैं समझता हूँ कि कहीं से हमें शुरुआत करने की ज़रूरत थी। खास तौर पर सेफ शारदा कश्मीर कमेटी इस मामले को मुनासिब फोरम्स पर ले जाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है ताकि पीओके में वाक़ शारदा मंदिर को उसके हवाले करके उसकी तज़य्यन आराइश की जा सके। उनका मुतालबा है कि कश्मीरी पंडितों को सालाना यात्रा मुनक्किद करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। उसका कहना है कि जब तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के हमारे हिस्से पर अपना गैर कानूनी कब्जा खत्म करने पर मजबूर नहीं होता, तब तक उन्हें इस तारीखी मजहबी मकाम पर जाने से नहीं रोका जा सकता। न्यूज 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट।